बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर या पिछले सेशन से फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग जो कि एक पिलर है सेफ मदरहुड का, उसमें हमने पिछले सेशन में देखा था कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। इस हवाले से कुछ अहम डेफिनेशंस देखी थी, एलिजिबल कपल्स और टारगेट कपल्स क्या होते हैं, फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका स्कोप क्या है। तो फिर हमने ये देखना शुरू किया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है कि क्या टाइप्स हैं। और इसमें हमने सबसे पहले जो स्पेसिंग मेथड्स हैं उनमें फिजिकल केमिकल बैरियर मेथड्स के बारे में जाना था इन द लास्ट सेशन। आज हम देखेंगे कि ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो हैं ये भी एक तरह का मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फर्टिलिटी रेगुलेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो कि रिवर्सिबल भी है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जैसे कि नाम से अपेरेंट है, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है। IUD इसका एक्रोनिम या इसका शॉर्ट है, IUCD भी कहते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये पोली एथिलीन या किसी और पॉलीमर से बनी हुई डिवाइसेस होती हैं। ये मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। और इसका जो कंटिन्यूएशन रेट है वो ओरल या इंजेक्टेबल हॉर्मोन्स जो हैं उनसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका कंटिन्यूशन रेट ज़्यादा है कंपेयर्ड टू ओरल एंड इंजेक्टेबल हॉर्मोन्स, इसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है। कंटिन्यूशन रेट का मतलब यह है कि एक दफ़ा किसी ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ज़्यादा अरसा तक इसको फिर इस्तेमाल करता रहता है। तो जो ओरल या इंजेक्टेबल हॉर्मोन्स हैं वो स्टार्ट तो कर देते हैं ख़वातीन, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू नहीं रख पाती, तो वो कंप्लायंस उस तरह से उनके साथ नहीं होती जिस तरह से इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के साथ है, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों तरह से हो सकते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या IUDs हमने कहा कि नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं और मेडिकेटेड भी होती हैं। नॉन मेडिकेटेड को इनर्ट भी कहते हैं, इनर्ट IUDs, और मेडिकेटेड को आप बायोएक्टिव IUDs भी कह सकते हैं। तो नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट IUDs की एग्जांपल जो है वो लिपीज लूप है, इनको फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कहते हैं। सो जो मेडिकेटेड है उसमें कॉपर की डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर कॉपर होता है, या फिर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो स्लो रिलीज होते हैं। मेडिकेटेड में दो तरह की हैं, कॉपर वाली और हॉर्मोन्स वाली। कॉपर वाली जो है उनको सेकेंड जनरेशन IUDs कहते हैं, जो हॉर्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस हैं उनको थर्ड जनरेशन IUDs कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन IUDs जो हैं ये इनर्ट होती हैं, ये नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस होती हैं। आमतौर पर पॉलीएथिलीन से, पॉलीएथिलीन एक मटेरियल है जिससे ये बनी होती हैं, मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस में ये हुआ करती थी और होती हैं। स्पायरल हो सकती हैं, कॉयल की सूरत में हो सकती हैं, या रिंग बना हो सकता है। तो लिपीज लूप इनमें फर्स्ट जनरेशन IUDs में सबसे कॉमनली यूज होने वाली डिवाइस है। मोस्ट कॉमनली यूज फर्स्ट जनरेशन IUDs में लिपीज लूप है। लिपीज लूप जो नॉन टॉक्सिक, ड्यूरेबल, नॉन टिश्यू रिएक्टिव, डबल एस शेप्ड एक डिवाइस है जो मुख्तलिफ साइजेस में आमतौर पर 4 साइजेस में आती है। साइजेस को लेबल किया गया है ABCND। इसके अंदर बेरियम सल्फेट होता है फॉर रेडियो ओपेसिटी, ताकि आप जो रेडियोग्राफ अगर लें उसमें ये ओपेक नजर आएगी, जो इसका मटेरियल है जिससे बनी हुई है उसमें हल्का सा बेरियम सल्फेट है। और इसके साथ एक नायलॉन का थ्रेड होता है नीचे अटैच किया हुआ होता है। इसके यूज में साइड इफेक्ट्स जो है वो सबसे अहम जो है वो ब्लीडिंग है और दूसरा पेन है। तो जो फर्स्ट जनरेशन IUDs में लिपीज लूप है उसके साइड इफेक्ट्स में ब्लीडिंग और पेन सबसे कॉमन और अहम।
अच्छा, इसको एक दफा प्लेस कर दिया जाए तो इसको लंबे अरसे तक पड़ा रहने लिया जा सकता है इनसाइड द यूट्रस। तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी के बारे में आपको भी बताया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन आईयूडी लिपीज लूप जो है वो दिखाई गई है। डबल एस शेप डिवाइस है, चार साइज़ में होती है जैसे हम पहले बात कर चुके हैं ए बी सी एंड डी। और इसके साथ एक थ्रेड अटैच होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में नीचे एक थ्रेड है जो कि हैंग होता रहता है नीचे, और बाय टचिंग दिस और बाय फीलिंग दिस थ्रेड द वुमन कैन टेल इफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज इन प्लेस और नॉट। ये जो लिपिस लूप है ये आपको आपके एग्जाम में ऑस्पी में आ सकती है, और वाइवा के दौरान भी हो सकता है कि वो जो ट्रे होती है एग्जामिनर के पास उसमें ये पड़ी हो, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस एंड एबल टू टेल कि ये किस जनरेशन की आईयूडी है और किस तरह से काम करती है, इनर्ट है या बायोएक्टिव है वगैरह वगैरह। तो दिस इज लिपिस लूप। फिर हम आ जाते हैं सेकंड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को। सेकंड जनरेशन आईयूडीज जो होती हैं ये बायो एक्टिव होती हैं, या इनको मेडिकेटेड भी आप बोल सकते हैं। तो जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर कॉपर होता है जो कि बायो एक्टिव मटेरियल के तौर पे काम करता है। तो याद रखिए कि जो मेडिकेटेड या बायो एक्टिव इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज हैं उसमें सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की यूट्राइन डिवाइसेज आती हैं। इनमें जो सेकेंड जनरेशन वाली है उनमें कॉपर होता है विच इज द बायोएक्टिव पार्ट। सो इसमें सेकेंड जनरेशन आईयूडीज में जो पहले डिवाइसेस यूज हुआ करती थी वो कॉपर 7 या कॉपर टी 200 थी। जो अब नई डिवाइसेस आजकल यूज होती हैं उसमें कॉपर टी 220 सी है, कॉपर टी 380 ए है और नोवा टी है, और कुछ मल्टी लोड डिवाइसेज हैं जिसमें मल्टी लोड कॉपर 250 है और मल्टी लोड कॉपर 375 है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन आईयूडीज या कॉपर कंटेनिंग मेडिकेटेड बायोएक्टिव डिवाइसेज। सेकंड जनरेशन आईयूडीज जो कॉपर कंटेनिंग बायोएक्टिव डिवाइसेज हैं उनमें जो नई डिवाइसेस हैं जिनकी एग्जांपल्स हमने पहले जिक्र किया है वो कम से कम भी 5 साल तक इफेक्टिव रहती हैं। इन दी बायोएक्टिव पार्ट इन दीज डिवाइसेस इफेक्टिव फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। इसमें जो कॉपर टी 380A है वो 10 साल तक इफेक्टिव है, और जो बाकी दूसरी हैं वो 4 से 5 साल तक, मिनिमम 5 साल तक जो नई डिवाइस। तो पुरानी वाली थी वो 4 साल तक, कॉपर टी 200 की एग्जांपल आप ले लें जो पुरानी डिवाइसेस में से है वो 4 साल तक। इनके एडवांटेजेस ये हैं सेकंड जनरेशन आईयूडीज के, एक तो इसका एक्सपल्जन रेट कम है कंपेयर टू पहली जनरेशन वाली आईयूडीज, जो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल यूट्रस के अंदर एक डिवाइस पड़ी हुई है, लिपिस लूप पड़ी हुई है, तो वो खुद बखुद उसकी एक्सपल्शन हो सकती है। इसकी एक्सपल्शन जो है उसका रेट कम है कंपेयर टू पहली जनरेशन वाली आईयूडीज। अच्छा, साइड इफेक्ट्स कम है कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज, ब्लीडिंग और पेन के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू लिपिस लूप या दूसरी फर्स्ट जनरेशन। इट इज इजियर टू प्लेस एंड बेटर टॉलरेटेड बाय नली पैरा, नली पैरा में इसको प्लेस करना है इज इजियर और उसको टॉलरेट भी बेहतर करती है। इंक्रीज कंट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस है, और ये पोस्ट क्वार्टल कंट्रासेप्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है अगर क्वार्टस के बाद 3 से 5 दिन के अंदर सेकेंड जनरेशन आईयूडी को यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाए, तो दीज विल प्रिवेंट द कंसेप्शन। इसलिए इसको एज पोस्ट क्वार्टल कंट्रासेप्शन भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी ये इफेक्टिव है प्रोवाइडेड दीज आर प्लेस विद इन 5 डेज ऑन द अनइफेक्टेड क्वार्टस। ये एक तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं सेकंड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो हैं, आप लेफ्ट मोस्ट से देख सकते हैं कॉपर
कंटेनिंग डिवाइसेस कॉपर टी जो जिनको बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी कॉपर टी ही है, उसके बाद जो राइट पे दो हैं वो मल्टी लोड डिवाइसेस हैं। आप उनकी शेप देख सकते हैं, मल्टी लोड 375 है जो सेकंड लास्ट है फ्रॉम लेफ्ट, ये सेकंड फ्रॉम राइट है, बाकी कॉपर टी की आप शेप हो। अगेन ये जो है ये ऑस्की में हो सकती है और ये वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या डिवाइस है और ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है। फिर हम आगे आते हैं जी थर्ड जनरेशन IUDs। जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि सेकेंड और थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है ये दोनों मेडिकेटेड या बायोएक्टिव डिवाइसेस होते हैं। सेकेंड जनरेशन वाली में कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस हैं, थर्ड जनरेशन वाली में हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इसकी दो एग्जांपल्स जो कॉमनली यूज होती हैं, इसमें एक मैरिना है और एक प्रोजेस्टोसेरोन है। मैरिना कॉमनली यूज होती है, कॉमनली से मुराद इन थर्ड जनरेशन IUDs में जो कॉमनली यूज होती है वो मैरिना है। वैसे एक्सपेंसिव है इसलिए उतनी कॉमन नहीं है जितनी कॉपर कंटेनिंग डिवाइस। तो मैरिना जो है ये टी शेप होती है, 5 साल के लिए एक्टिव है, इसमें लिवनोरजेस्ट्रल जो है एक्टिव कंपाउंड है, लो प्रेगनेंसी रेट, इसका एक फायदा जो है उनमें ये है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी इससे ज़्यादा नहीं होगी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क भी इससे कम होगा। आगे जब हम देखेंगे कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के जो डिसएडवांटेजेस हैं या जो इसके रिस्क हैं, उनमें एक रिस्क ये है कि इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इन डिवाइसेस में मैरिना ऐसी है जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, ऑलमोस्ट उतना ही रहता है जितना आप अगर कोई डिवाइस ना यूज करते तो उतना होता है। फिर दूसरी जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है वो प्रोजेस्टोसेरोन है, ये भी टी शेप्ड है, ये सिर्फ 1 साल के लिए इफेक्टिव होती है, इसका एक्टिव कंपाउंड इसमें होता है वो प्रोजेस्टेरोन है, और लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होता है। This again are pictures to let you know के मरीना और प्रोजेस्टोसेरोन जो हैं ये देखने में किस तरह की होती हैं डिवाइसेस। तो लेफ्ट पे जो है स्क्रीन पे आपकी वो मरीना है और राइट पे प्रोजेस्टोसेरोन है, और अगेन ये जो हैं इन द वाइवा या ऑस्पी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं और इसके हवाले से पूछ भी सकते हैं। अब तक जो हमने जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो बैरियर मेथड्स हों या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हों, ये सारी की सारी आपके म्यूजियम में, कम्युनिटी मेडिसिन के म्यूजियम में मौजूद भी हैं। तो एग्ज़ाम से पहले होपफुली हालात बेहतर हो जाएंगे, ये कोविड के हवाले से जो है, तो आप आ सकेंगे अपने कॉलेज और आप देख लीजिएगा यहाँ पे पड़ी हुई हैं ये डिवाइसेस, तो आप उसको देख के पहचानने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। Let us now talk about the mechanism of action of IUDs. So how do they work actually? What is the process through which these are effective? First generation IUDs, they cause a foreign body reaction. We know that first generation IUDs are non-medicated and inert devices. So what they actually do is they cause a foreign body reaction in the uterus. That foreign body reaction that results in cellular and biochemical changes in endometrium, and these cellular and biochemical changes they reduce the chances of fertilization. This is how the first generation IUDs work. This is how the Lipi's loop works. Second generation jo IUDs hai, they are copper containing devices, of course bioactive devices. What they do is that the copper alters enzyme and cellular response in mucus. It alters biochemical composition of cervical mucus as well.
एंड इट ऑल्सो अफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी। थ्री प्रॉन्ग्ड इसका मैकेनिज्म फैक्शन है। सबसे पहले तो कॉपर जो है वो एंजाइम एंड सेलुलर रिस्पॉन्स जो है इन यूट्रस उसको ऑल्टर कर देता है, बदल देता है, दैट रिजल्ट्स इन लोअर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर ये सर्वाइकल म्यूकस जो होती है उसकी बायोकेमिकल कंपोजिशन को भी बदल देता है। यू विल नो या यू ऑलरेडी नो कि देयर इज अ म्यूकस प्लग ओवर द सर्विक्स। अगर उसको इम्पेनिट्रेबल बना दिया जाए फॉर द स्पर्म, ऑब्वियसली चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा। और तीसरा जो ये काम करते हैं ये दे अफेक्ट द स्पर्म मोर्टिलिटी। दीज कॉज द मोर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म्स टू रिड्यूस, दस रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। थर्ड जनरेशन IUDs व्हाट दे डू इज दे इंक्रीज द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन एंडोमेट्रियम, thus impairing implantation. हमें मालूम है कि थर्ड जनरेशन IUDs आर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। जब वो रिलीज करती हैं प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन के एनालॉग्स, तो दे इंक्रीज द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। दिस इंक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन एंडोमेट्रियम प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन टू द यूट्रस। अच्छा, दूसरा तरीका जो है इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, thus prevents sperm from entering uterus. Again, वही जैसे second generation IUDs में भी था, third generation IUDs में भी cervical mucus plug है, उसकी viscosity, उसकी thickness बढ़ जाती है, it becomes impenetrable for the sperm, और इस वजह से sperm जो है वो uterus में enter नहीं हो पाता, तो fertilization नहीं होती, अगर हो भी जाए तो implantation नहीं होती। This is how the third generation IUDs were. This was the mechanism of action of IUDs. You must know the mechanism of action of intrauterine devices for all three generations of intrauterine devices. Next, we shall see the advantages of intrauterine devices. So, सबसे पहले जो इसका advantage है वो इसकी simplicity, no hospitalization required. आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस की प्लेसमेंट के लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर दरकार नहीं होता है। इट इज अ सिंपल प्रोसीजर जिस जो OPD बेसिस पे किया जा सकता है। एन IUD कैन बी प्लेस्ड इन OPD, नो हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। फिर सेकेंड वन ये है कि इंसर्शन टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स, जल्दी से हो जाता है प्रोसेस। Once inserted, IUD stays in place as long as required. आपने एक दफा उसको place कर दिया है, unless and until उसकी spontaneous expulsion ना हो जाए, वो वहीं पे मौजूद रहेगी inside the uterus. तो आपने एक ही दफा इसको रखना है, unlike say barrier methods with condoms, you have to use them for every sexual intercourse. ऐसे ही जो ओरल कंट्रासेप्टिव है जो बाद में पढ़ेंगे वो आपको हर रोज लेना होता है, उनकी बजाय जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है इसको एक ही दफा रख दिया है, एंड इट विल स्टे देयर एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। फिर ये इनएक्सपेंसिव है, ये ज्यादा महंगी नहीं है, विद द एक्सेप्शन ऑफ हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, द थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कि मैरीना और प्रोजेस्टस है, वो थोड़ी महंगी है। अदरवाइज ये जो कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस हैं, दीज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, दीज आर इनएक्सपेंसिव एंड अफोर्डेबल फॉर लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी इज वेल। फिर है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज रिवर्सिबल बाय रिमूविंग IUD। आपने रिमूव कर दिया IUD तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो इफेक्ट था वो रिवर्सिबल है, परमानेंट नहीं है। जब IUD रख दी है तो अंदर से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, दैट इज नॉट द केस, इट इज रिवर्सिबल। It is free of systemic metabolic side effects associated with hormonal pills. आप देखेंगे आगे हम पढ़ेंगे जब hormonal pills के बारे में, जो orally ली जाती हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा side effects हैं, almost as many के sometimes the person has to think about to weigh the pros and cons, to balance the advantages over disadvantages. उसके सिस्टेमिक मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स होते हैं और फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं। इसकी वैसे नहीं है क्योंकि इसका सिस्टेमिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकलाइज्ड है इनसाइड द यूट्रस, इसलिए
इसकी सिस्टम है मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स में, इसका कंटिन्यूएशन रेट हाई है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर मेथड्स। फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ चुके हैं पहले बैरियर मेथड्स में, फिजिकल बैरियर मेथड्स में, कॉन्डम्स एंड डायाफ्राम्स एक्सेट्रा, केमिकल बैरियर मेथड्स, उसके मुकाबले में इसका कंटिन्यूएशन जो है रेट ज्यादा है, क्योंकि इसको हर दफा इस्तेमाल नहीं करना, एक दफा प्लेस कर दिया गया इंसाइड द यूट्रस इसको, तो फिर इट इज देयर अनलेस एंड अंटिल यू रिमूव इट, इट इज देयर एंड प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, कोई कंटिन्यूअल मोटिवेशन की जरूरत नहीं, यू हैव टू मोटिवेट अ पर्सन हु इज यूजिंग, फॉर एग्जांपल अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज कर रहा है, दैट पर्सन विल नीड कंटिन्यूअस मोटिवेशन कि आप करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, इसको छोड़े ना, इसको बंद ना करें, आपके लिए ये फायदेमंद है या सूटमंद है। ऐसे ही जो बैरियर मेथड है उसके लिए भी कंटिन्यू मोटिवेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम्स के लिए एक्सेट्रा। इसके लिए ऐसा नहीं एक दफा आपने एक दफा मोटिवेट कर दिया बंदे को या बंदी को, तो आपने उसको मोटिवेट करके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस प्लेस कर दी है, अब द डिवाइस इज देयर, यू डू नॉट नीड टू मोटिवेट हर अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि जी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है यूज करें, इट इज देयर नो नीड फॉर कंटिन्यूअल मोटिवेशन। इट कैन बी यूज्ड एज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर भी कॉपर टी को यूज किया जा सकता है, जो कॉपर कंटेनिंग डिवाइस है, अगर उनको विद इन 3 to 5 days आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वार्टस प्लेस कर दिया जाएगा इन साइड द यूट्रस, दे विल प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन, तो दीज कैन बी यूज्ड एज पोस्ट क्वार्टल कंट्रासेप्शन। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। Next, we shall see the contraindications for intrauterine devices. इसमें कुछ absolute contraindications हैं और कुछ relative contraindications हैं। आपको मालूम है कि absolute contraindications वो होती हैं कि अगर वो मौजूद हो तो आपने किसी भी सूरत में इसको use नहीं करना होता, और relative वो होती हैं जब आप देखते हैं कि benefits ज़्यादा हैं या उसके नुकसान ज़्यादा हैं, आपने उनको देखना होता है कि कौन सी चीज़ किसको आउटवे कर रही है। तो जो एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन हैं टू द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेगनेंसी है तो फिर आपने ऑब्वियसली आईयूडी प्लेस नहीं करनी है। देन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो आप आईयूडी प्लेस नहीं कर रहे, दिस इज एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ आईयूडी, ओके, ये आईडी इसका वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स भी है। फिर वेजिनल ब्लीडिंग ऑफ अननोन एटियोलॉजी, अगर वेजिनल ब्लीडिंग है जिसका नहीं मालूम है कि इसकी वजह क्या है तो आप इंट्रायूटराइन डिवाइस हरगिज़ यूज नहीं करते हैं। सी ए सर्विक्स, सर्विक्स का कैंसर हो फिर भी ये कंट्रा इंडिकेटेड है। पेल्विस एंड नेक्सा यूट्रस के ट्यूमर्स हो फिर भी ये कंट्रा इंडिकेटेड है। लास्टली प्रीवियस कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हो तो आप आईयूडी सजेस्ट नहीं करेंगे, ऐसी ऐसे बंदे को, ऐसी बंदी को जिसको प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हो, यू डू नॉट सजेस्ट आईयूडी एज अ कंट्रासेप्टिव डिवाइस, एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड। दीज आर एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन। देन वी मूव ऑन टू रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन। रिलेटिव जो है इसमें एनीमिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि आईयूडी के इस्तेमाल से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर किसी को पहले से एनीमिया है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ आईयूडीज दैट मे अकर, उससे उसका एनीमिया जो है वो एग्रेवेट हो सकता है, वर्स हो सकता है, इसलिए ये एक रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन है। इसमें उसको प्रॉपर फॉलोअप की ज़रूरत होती है, एनीमिक बीबी को अगर आपने आईयूडी प्लेस की है तो यू विल नीड टू फॉलो अप ऑन हर, उसका एनीमिया वर्स तो नहीं हो रहा है, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। और फिर मेनोरेजिया है, अगेन फॉर द सेम रीजंस, ये भी एक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है, अगर कोई हिस्ट्री पहले पीआईडी की रही है लास्ट प्रेगनेंसी के बाद से तो ये भी एक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। अगर तो पीआईडी उस वक्त मौजूद हो फिर तो आप, वो तो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, फिर तो आप बिल्कुल भी इसको प्लेस नहीं करते हैं आईयूडी। लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री है पीआईडी की हिस्ट्री प्रेगनेंसी के बाद से, तो ये रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है, फिर आप उसको प्रॉपर एग्जामिनेशन फॉलोअप दरकार होता है उसका,
आपने अगर प्लेस कर दिया है तो आप बाद में देखते रहते हैं कि उसको इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं हो, अगर हो रही है तो किस तरफ जा रही है, करेक्ट हो रही है एंटीबायोटिक्स के यूज से या नहीं हो रही है वगैरह, तो प्रॉपर फॉलोअप विल बी रिक्वायर्ड। तो पुरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज अगर है तो ये भी एक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ द यूट्राइन कैविटी ड्यू टू कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हो तो फिर भी आप आईयूडी प्लेस करने से पहले सोचते हैं। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है फाइब्रॉइड यूट्रस हो फिर भी रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। एंड ऑफ कोर्स अगर पर्सन जो है वो अनडिसाइडेड अनमोटिवेटेड है, मोटिवेट करने के बावजूद वो आईयूडी के इस्तेमाल पे इतना आमादा नहीं है तो आप नहीं यूज करेंगे, ये भी एक रिलेटिव। दीज आर दी कंट्राइंडिकेशंस फॉर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, अगेन इम्पॉर्टेंट। एक आइडियल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के यूज के लिए कैंडिडेट कौन होता है, एक आइडियल आईयूडी कैंडिडेट कौन सी बनती होगी, ये हम देखते हैं। क्योंकि ये नली पेरिस के लिए फर्स्ट चॉइस आईयूडीज जो है वो फर्स्ट चॉइस का मेथड है। आप जो नली पेरिस खवातीन है उसमें कोई और कंट्रासेप्टिव मेथड जो है उसको पहली चॉइस के तौर पर इस्तेमाल करें, तो आइडियल कैंडिडेट वो होगा फॉर द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जिसने पहले एक एटलीस्ट एक बच्चा हो जिसका नली पेरिस ना हो और उसकी पेल्विक डिजीज की कोई हिस्ट्री ना हो, उसका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो नॉर्मल हो, पीरियड उसके वो आईयूडी की टेल जो है जो फ्रेंड उसके साथ होता है उसको वक्तन फवक्तन चेक करने पर रजामंद हो, उसको फॉलोअप और ट्रीटमेंट की सहूलतें मुयस्सर हो, अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, ब्लीडिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई है या पीआईडी डेवलप शुरू हो गई है, उसको फॉलोअप और ट्रीटमेंट की तक उसकी रसाई हो, और लास्टली एक मोनोगेमस रिलेशनशिप में जो आईयूडी कैंडिडेट है शी मस्ट बी इन अ मोनोगेमस रिलेशनशिप। तो ये इसका आइडियल कैंडिडेट जिसको आप आईयूडी देंगे उसके वो हैं करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आईयूडी की प्लेसमेंट या इसकी इंसर्शन का कौन सा मुनासिब वक्त होता है ड्यूरिंग वुमेन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इट कैन बी इंसर्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी ना हो, एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट कैन बी इंसर्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। यूजुअली जिन वक्तों पे इसको इंसर्ट किया जाता है या प्लेस किया जाता है वो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या विद इन 10 डेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये यूजुअल टाइम ऑफ इंसर्शन। फिर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, इसको इमीडिएट पोस्टमार्टम इंसर्शन कहते हैं। फिर 6 to 8 weeks आफ्टर डिलीवरी पोस्ट प्यूपरल इंसर्शन इसको बोलते हैं। फिर विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर पोस्ट कोइटल इंट्रासेप्शन, ये सिर्फ प्रॉपर डिवाइसेस के लिए। दीज आर द यूजुअल टाइम्स ऑफ इंसर्शन। ठीक, Now let us see the follow-up required after IUD insertion. Kya follow-up hona chahiye? Once you have placed the intrauterine device inside the uterus, the recommended follow-up visits are after first and third menstrual periods and then after 6 and 12 months intervals. पहले और तीसरे मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद फॉलोअप करना है, बीबी को बीबी ने दोबारा आना है, आपने उसको देखना है जिसको आपने आईयूडी प्लेस की, और उसके बाद से फिर 6 महीने के इंटरवल्स और फिर 12 महीने के इंटरवल्स के बाद आपने जो एग्जामिन करना है। क्या आप फॉलोअप में देखना चाहते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉलोअप एग्जाम? तो सबसे पहले टू प्रोवाइड मोटिवेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, फिर सेकेंडली टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ आईयूडी, आप देखना चाहते हैं कि उसकी स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन तो नहीं हो रही है।
फिर आप देखना चाहते हैं, डायग्नोज करना चाहते हैं, ट्रीट करना चाहते हैं कोई भी साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस जो आईयूडी से हो रही है। सब्जेक्ट को एडवाइज किया जाता है जो आपके पास फॉलोअप के लिए आती है, वो रेगुलरली चेक द टेल, जो उसके साथ फ्रेंड है उसको रेगुलरली चेक करती रहे ताकि पता रहे कि वो उन जगह पे मौजूद है। टू विजिट द क्लिनिक इफ शी एक्सपीरियंसेस एनी साइड इफेक्ट्स, अगर कोई भी साइड इफेक्ट्स उसको आते हैं तो शी मस्ट विजिट द हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्लिनिक या फैमिली केयरिंग सेंटर ताकि उनको डील किया जा सके। विजिट द क्लिनिक इफ शी मिसेस अ पीरियड, अगर उसने एक मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो मिस किया है तो उसको क्लिनिक को विजिट करना है तो सी whether or not a pregnancy has taken place. So this is the follow-up of the IUD insertion. तो आपने एक दफा intrauterine device प्लेस कर दी है या इंसर्ट कर दी है तो उसकी इंसर्शन के बाद क्या काउंसलिंग रिक्वायर्ड हो सकती है? तो पोस्ट इंसर्शन काउंसलिंग में जो चीजें इंक्लूडेड है वो है कि उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है पेशेंट को या पर्सन को या सब्जेक्ट को कि आईयूसीडी विल नॉट इंटरफेयर विद सेक्स, क्वाइटस के साथ कोई इसकी इंटरफेरेंस नहीं है। शी शुड रेगुलरली चेक बाय फीलिंग द थ्रेड एंड रिपोर्ट इमीडिएटली इफ थ्रेड नॉट फेल्ट, अगर उसको थ्रेड या टेल उसकी फील नहीं हुई है चेक करने पर शी शुड कम विजिट द क्लिनिक। शी मे एक्सपीरियंस यूट्राइन क्रैम्प्स फॉर अ डे और टू, एक दो दिन के लिए यूट्राइन क्रैम्प्स हो सकते हैं आपको रिप्लेसमेंट इसके बारे में काउंसिल किया जाता है। फिर ट्रांजिएंट वेजिनल सपोर्टिंग हो सकती है ये इसके इस्तेमाल से आईयूडी के इस्तेमाल से हैवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है और शी मे हैव आईयूसीडी रिमूव्ड एट एनी टाइम शुड द साइड इफेक्ट्स बिकम सीवियर और शुड शी डिजायर अनदर प्रेगनेंसी। दिस इज द पोस्ट इंसर्शन काउंसलिंग। फिर लास्टली फॉर इंट्रायूटराइन डिवाइसेस हम देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके हैं ब्लीडिंग एंड पेन और फिर पेल्विक इन्फेक्शन भी इससे हो सकती है, एक यूट्राइन परफोरेशन भी ये कर सकती हैं, दिस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइस यूज। फिर प्रेगनेंसी है हो सकती है, फेलियर हो सकता है आईयूडी का जिससे प्रेगनेंसी, और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस विद द यूज ऑफ आईयूडीज बढ़ जाते हैं, इसकी एक्सपल्शन हो सकती है, ये मसला इसके साथ हो सकता है, इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज हो सकती है, इसके साथ कैंसर एंड टेराटोजेनेसिस हो सकता है, मोर्टेलिटी हो सकती है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। सो वी हैव टुडे डिस्कस्ड इन डिटेल the intrauterine devices which are the type of contraceptive method or fertility regulation method. Intrauterine devices aaj humne puri tarah se discuss kar liye. In the next session we will move on to the other methods of contraception jo ke liye tak rahe hain. So far we have covered the barrier methods, the physical barrier, chemical barrier, or we have covered the intrauterine devices as well. So the first, second or third generation, sari ki sari humne kar liya. So this is all for this session. I see you in the next session jab hum jo remaining methods hain jo reh gaye hain isme oral contraceptives hain, hormonal hain, unke bare mein baat karenge. Till then, goodbye.